पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में शुक्रवार को भोपाल में भी आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। करीब 30 मिनट तक चले इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही गए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा और मोदी सरकार पर सवाल उठाया और कहा, मोदी सरकार यानी महंगाई की सरकार। कांग्रेस की मांग सेंट्रल ड्यूटी वापस लेने की है। अभी सरकार 34 रुपए ले रही है, इसे पहले जैसा 9 रुपए किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो डीजल पेट्रोल पर प्रति लीटर करीब 25-25 रुपए कम हो जाएंगे। इससे राहत मिलेगी आम लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम होते जा रहे हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन 30 मिनट तक चला। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस नेता न्यू मार्केट के पास स्थित नानके पेट्रोल पंप पर पहुंचे। कुछ देर बाद वहां दिग्विजय सिंह भी आ गए। पेट्रोल पंप के पास ही उन्होंने बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया।